नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा, और खुद यहाँ के लोकल हैं अली अशरफ फातमी, वो भी साफ साफ लफ्जों में कह रहे हैं कि एनआरसी बिहार में लागू नहीं होगा, तो बिहार के लोगों को तो इस प्रोटेस्ट से बचना चाहिए। नीतीश कुमार को हमने पहले ही पलटू राम घोषित कर दिया है, वो अपनी बातों से कभी भी पलट सकते हैं, हम उन पर बिलीव नहीं करते। और वैसे भी ये पर्टिकुलर ये हमारी बिहार रीजन की लड़ाई नहीं है, ये मुस्लिम्स की लड़ाई नहीं है, ये उन सभी की लड़ाई है जो पॉवर्टी लाइन के बिलो है, क्योंकि जुगाड़ टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ बहुत काम करती है, या ये वेल नोन वाली बात है। तो ये बाकी लोग जिनके पास पैसे हैं वो अपने पैसे के बलबूते पे कुछ भी कर लेंगे, उनके पास कोई ना कोई इंतजाम होगा, लेकिन जो गरीब है उनका क्या होगा? हम अपने लिए नहीं खड़े हैं, हम उनके लिए खड़े हैं। तो ये हमारी और आपकी लड़ाई पर्सनल लड़ाई नहीं है। सत्ता में बैठे हमारे प्राइम मिनिस्टर को पता होना चाहिए कि वो संविधान में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हम अगर आज खड़े हैं यहाँ पे तो हम उस संविधान की छेड़छाड़ को रोकने के लिए, क्योंकि संविधान के थ्रू ही हम प्राइम मिनिस्टर सीएम एंड ऑल सारे जो रूल एंड रेगुलेशन सारे उसी के थ्रू फॉलो होते हैं ना। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप अगर एक बार प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, आप कुर्सी पे आ गए हैं, तो आप संविधान को ही बदल दो, ये नहीं होगा। क्योंकि इससे पहले मोदी सरकार जब से आई है, सत्ता में आई है, तब से वो हर एक सेंसिटिव टॉपिक्स पे बात करती है, हर एक सेंसिटिव मुद्दे को उठाती है। कभी वो गाय माता की बात करते हैं, कभी वो मुसलमान की औरतों पर जुल्म की बात करना शुरू हो जाते हैं, 3 तलाक की बात करना, वो सब हमारे लिए सेंसिटिव। हम इस्लामिक लॉज में वो इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हम मुसलमान जो इस्लामिक लॉज के थ्रू चलते हैं, लेकिन हमने उसमें भी छोड़ दी। लेकिन अब वो उनको लग रहा है कि वो इस्लाम में इंटरेक्ट कर सकते हैं, इस्लामिक लॉज में इंटरफेयर कर सकते हैं, वो लोगों के खाने पीने उनके बर्तन तक झांक सकते हैं। अब उनको बैंक अकाउंट्स आधार कार्ड से लिंक करा दिया, बैंक अकाउंट से आपकी प्राइवेसी सारी खत्म कर दी उन्होंने, अब उनको लग रहा है कि अब वो संविधान भी बदल सकते हैं। तो ये नहीं होगा, हम सब संविधान को मानने वाले लोग हैं और ये हम उसमें चेंज कभी नहीं होने देंगे, हम इसलिए खड़े हैं। चाहे आज ये मुद्दा है, कल कोई और मुद्दा के अपनी बात पे रहे यार, स्टैंड करें। हमने आपको मतलब हमें बहुत खुशी हुई थी कि नीतीश कुमार बहुत दिनों बाद कुछ चेंज लेकर आए, बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारी अच्छी चीज़ भी करी उन्होंने, शराबबंदी एंड ऑल, दहेज प्रथा पे भी बात करी, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई है। लेकिन वो आप किसी और पार्टी के थ्रू वोट लेते हैं और किसी और पार्टी में पलट जाते हैं, ये तो पहले मेरे ख्याल में ये प्रोविजन में होना ही नहीं चाहिए। आप क्या है कि फराज फातमी भी पलट रहे हैं? तो मैं उनको भी सपोर्ट नहीं करती, इट डजंट मीन्स कि उनका नाम फातमी है तो मैं उनको सपोर्ट करूँ, मैंने हिजाब लगाया उनका नाम फातमी है तो मैं उनको सपोर्ट करूँगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करूँगी मैं उनको सपोर्ट। मिलेट टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मजामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।